सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ, काफ़ी शोरूम में घूम रहा हूँ यार, सब हर जगह देख लिया, हर शोरूम में घूम के देख लिया यार, कहीं बाइक अवेलेबल नहीं है। BMW के शोरूम में गया, S1000RR चलाई, बाइक बहुत अच्छी लगी यार। प्राइसिंग की बात करूँ तो बाइक की यार ऑन रोड है 26 लाख रुपये की। 26 लाख रुपये के बाद उसमें 3 लाख का एग्जॉस्ट है, मैपिंग है, और 1 लाख रुपये उस पर सब कुछ लगाने, फ्रेम स्लाइडर हो गया, स्कूल्स हो गए, ये वो। ऑन रोड 30 लाख रुपये की यार आउट ऑफ बजट है, और इतनी महंगी बाइक लेना कोई बेकार चीज़ है कोई, मतलब ठीक है यार, नाम है, अच्छी बाइकिंग है, स्मूथ चलती है, ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है बाइक की, लेकिन नहीं यार, ओवर प्राइस बहुत ज़्यादा है, और आदमी 1-2 साल चलाने के बाद बेच ही देता है। देन कम टू द R1, यहाँ R1 भी मैंने देखी कि हाँ अच्छी है, बाइकिंग बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है, एंड लुक्स भी बहुत अच्छे हैं R1 के, DRL लाइट्स लगी हुई हैं। एंड कम टू द प्राइसिंग पॉइंट, वो भी है 27 लाख की, और पावर दोनों यार सेम ही प्रोड्यूस करती है। R1 ट्रैक रेडी बाइक, अगर ट्रैक वाली R1 लो, उसको ट्रैक रेडी कर दो तो बॉस क्या बाइक लगती है वो, लेकिन यार वो भी अवेलेबल नहीं है, और उसका यार कोई बैकअप भी तो नहीं है। हम रहते हैं दिल्ली में कोई बैकअप नहीं है, अपना सिमरन रेडलाइन रेटिंग रेसिंग स्टोर है वो, उस पर ही वहाँ की सर्विस करानी पड़ेगी। अब कुछ भी इशू होगा तो सिमरन किंग से ही बात करनी पड़ेगी, भैया किंग साहब वही करेंगे R1 का काम। तो यार वो ट्रैक भाई बहुत अच्छा ट्रैक करता है बॉस, हैट्स ऑफ है बंदे को। एंड अब आते हैं 10R के ऊपर, तो भैया मैं आया या बताऊँ 10R का क्या सीन है। 10R यार बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अपने आप में बहुत एग्रेसिव बाइक है 10R, और मैंने पहले भी ली हुई है और मुझे सारी चीज़ें पता है, उस सारी कंट्रोलिंग पता है 10R में, क्विक शिफ्टर। अब तो नई वाली में वैसे भी अप एंड डाउन आने लग गया है, क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर, एंड बाइक और स्मूथ हो गई है, इंजन और स्मूथ हो गया है। मैंने बब्बू बाजी की बाइक चला के देखी है, इंजन बहुत काफ़ी पहले से बहुत बेटर हो गई है 10R। पहले जो बंद होने का इशू आ रहा था वो भी हट गया है, और अब मेरे को कहीं ना कहीं से मन कर रहा था कि नहीं यार मैं दोबारा 10R नहीं लूँगा। तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसा क्या चीज़ है जो मैं, अब मैं कौन सी सुपर बाइक लूँ, मैं बहुत परेशान हो गया यार। अब जिस शोरूम में जाते हैं बाइक अगर पसंद आती है तो वो कहते हैं यार बाइक अभी अवेलेबल नहीं है, आपको 3 या 4 महीने बाद मिलेगी, क्यों BS4 या BS6 के चक्कर में, जो BS4 था वो सब बिक चुका है। अब यार मैं इतना वेट तो नहीं कर सकता बाइक लेने के लिए। अब फिर बात करते हैं होंडा की फायर ब्लेड 1000 जो नई वाली आ रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसमें मैंने सुना है कि एक्रा पॉविक जो आ रहा है वो स्लिप ऑन आ रहा है, और वो भी कंपनी से आ रहा है स्टॉक। किस में बाजी? उसमें CB, अपना होंडा फायर ब्लेड में। होंडा फायर ब्लेड तो भाई पैसे भी तो बताओ ना, 21 लाख 21 लाख रुपए की है भाई। एक सिक्सर निकल आती है बीच में से भाई, 10R के रेट के बाद। तो भाई साहब अब हम फाइनली ना कावासाकी के शोरूम में आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं कि भैया कोई हमें बाइक अगर है तो हमें दो बाइक, नहीं हम 4 या 5-6 महीने हम नहीं रख सकते, नहीं दोगे तो उठा के ले जाएंगे जो उनसे भी खड़ी है, साढ़े 4 लाख धक्का सी ता कर धक्का ही चलेगा। तो बाजी यार दिलाओ यार बाइक, दिलाओ यार बाजी बाइक, दिलाओ यार, दिलाओ ना, दिलाते ना मना ना बेटे, रो नहीं सब मिलेगा, हौसला रख मेरे सब मिलेगा। बाजी बाजी ने खुद तो ले ली बाइक, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हौसला रख। बाजी कैसे हौसला रखूं, जिस शोरूम में जाते हैं बाइक तो कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसके बाद बाजी बाजी ये बाइक मिलेगी कब? सॉरी सर, आपको हमें 4 या 5 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि नई बाइक जब तक आने आएगी पहले बुकिंग कराओ, फिर नई बाइक के लिए वेट करो, इतना नहीं है टाइम बॉस, आज अगर चाहिए तो बाइक आज ही चाहिए, पता चला बाद में मूड फिर चेंज हो गया, फिर हम आज ही बाइक लेके जाएंगे। बाजी अगर मेरे को आज बाइक नहीं मिली, नहीं मिली ना, तो हेलो क्या हो गया? हो गया ना, मैं बताता हूँ गलती अभी तो ही नहीं की है यार। अच्छा बोलो, ले लो, कर लो भाई, अरे यार पाजी ले लेंगे, कर लेंगे, कल भी पूछा पाजी मूड सा नहीं हो रहा पता नहीं, और मूड कैसे यार हो रहा? एक बात बताओ, इनके लिए हर शोरूम पे जाए, टेस्ट राइड ले, सब कुछ करे, और एंड में जब पूछे भी ये बाइक कब मिलेगी, वो कहते हैं यार 3 या 4 महीने के बाद मिलेगी, है ना, पहले पूछ लो बाइक कब मिलेगी फिर टेस्ट राइड लो। यार पाजी पहले टेस्ट राइड लेनी बनती है, नहीं बनती नहीं, पहले बाइक का पूछना बनता है आज के मॉल पे। ये BS4 6 वाला जो बसूड़ी है ना भाई, बहुत तगड़ी है, जैसे BS3 में हुआ था, अब तो वैसा हो भी नहीं था, जो पिछली बार थी स्कूटियाँ भी 30-40 हज़ार रुपये की बिकी थी। अब कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं BS6 जो इंजन है नो डाउट आएगा, लेकिन उसमें यार हमें जो अभी तक लगता है कि इसमें पावर थोड़ी कम आएगी, क्योंकि यार इंजन अगर स्मूथ हो जाएगा तो फिर इंडिया में उस हिसाब से पेट्रोल तो मिलता नहीं है, क्योंकि फिल्टर्स वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिस कारण अपना पोल्यूशन कम होता है, तो यही प्रॉब्लम है यार। बाकी सोच है यार हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की, है नहीं इसमें,
तो भाई अब हम देखते हैं कौन सी अब बाइक देते हैं ये कावासाकी वाले, अब हमारे लिए पता नहीं कौन सी बाइक बनी है। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो पाजी सुन लिया ना आपने, सुन लिया ना भैया, नहीं आई ना बाइक तो इनकी उठा के ले जाऊंगा। तो यार गाइस आपने पहली वीडियो में मुझे बहुत ही प्यार दिया, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं भैया, करते हुए 1200 भाई जी बोल रहा है। नहीं भैया 1200 नहीं हुए अभी, हो गए हैं, हो गए हैं, चलो भाई हो गए होंगे। तो भाई अगर जिसने अभी तक वीडियो को ये लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। आवाजें तो आई रही होंगी आपको यार, एक चीज भैया हम भी आवाज के लिए तड़स रहे हैं यार। एक चीज यार भाई के इस वीडियो में ना कम से कम भी इतने तो 2000 तो होने चाहिए ना भाई, सपोर्ट देना पूरा, प्यार देना पूरा कि 2000 सब्सक्राइबर तो कम से कम हो, बाकी तो आपकी श्रद्धा आपका प्यार जितना मर्जी कर दो। जो आप प्यार देते जाओगे आपके प्यार की तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे, और आपके प्यार की वजह से क्या पता हमें बाइक जल्दी मिल जाए, पास करो है। और भाई जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे दोनों भाइयों को फॉलो नहीं करना तो भी करो फटाफट जाके, दोनों की आइडिया ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे तो दोनों कर लेना ठीक है ना, दोनों को फॉलो कर लेना। और अब देखते हैं भैया और क्या कह सकते हैं, चलो जब बाइक मिलेगी तो मिल जाएगी, बाकी देखते हैं आज क्या कहते हैं, बाकी देखते हैं अब इसके बाद हरवीर भाई से बात करते हैं क्या कहते हैं ये लोग, पाजी को फोड़ लेंगे अब, देखते हैं। मुझे बाइक, मेरे को अपनी बाइक बचानी है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। चाबी पहले रख ली है कि इन्होंने भाई, चाबी थोड़ी सी बाजी से बात, हरमीत भाई से क्या कहते हैं उसके बाद दोबारा मिलते हैं ब्लॉग करने के लिए। आपको लग रहा है कट रहा गोल साहब, आपको तो बाइक ही नहीं है, अब क्या करोगे भैया, अब हम बाइकिंग छोड़, पक्का यार, पक्का ऐसा मत बोलो इनके लिए भाई, ठीक है फिर एडवेंचर केटीएम भाई, नहीं हम बाइक यार अपग्रेड हो रही है ना भाई, भाई अपग्रेड तो हो रही है लेकिन सीसी तो नहीं है, 390 तो 390 है, चलो तो अपग्रेड हो गया ना। अच्छा तो भैया मैं क्लच पकड़ के गियर डाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बाइक चाहिए 1000 सीसी। चलो ट्राई करते हैं गोयल साहब क्या होता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चलो देखते हैं। तो कर दो फिर गोयल साहब वीडियो एंड यहीं पे, ये क्या वीडियो एंड करें, मन ही नहीं कर रहा एंड करने का, बस दुखती रख पे हाथ रख के कर दो एंड। चलो भैया कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे, जल्दी और जल्दी से जल्दी लाएंगे, चलो अपनी भी जवान है भाई को बाइक जरूर लेके देंगे, भाई जरूर लेके देंगे, पप्पू भाजी होंगे बाइक ना हो ही नहीं सकता ऐसा। चलो तो अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, और चैनल को क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब, बिल्कुल अभी दबाओ बटन सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना भैया फटाफट, नहीं तो भैया जब वीडियो नहीं आएगी तो मैं पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बेल नोटिफिकेशन जल्दी से ऑन करो, वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में, और जब अगली वीडियो आएगी ना तो पक्का बाइक के साथ ही आएगी, अगली पूरे धमाके के साथ, पूरे धमाके के साथ दो, चलो फिर मैं करता हूँ।